नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आई हूँ अपनी लिखी हुई तीन कहानियां एक ही वीडियो में। तो चलिए कहानियां शुरू करते हैं। पहली कहानी का नाम है गृहिणी के लिए भी पोषण जरूरी है। मेरी लिखी हुई और नई कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आस्था सुबह सुबह किचन में पराठे बना रही थी। अतुल नहा कर आया और घर के मंदिर में उसने दिया और अगरबत्ती जलाया। अगरबत्ती की भीनी भीनी सुगंध पूरे घर में फैल गई। अतुल किचन में आकर आस्था से पूछने लगा, अरे भाई नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? हाँ जी नाश्ता तो तैयार हो गया है, लेकिन आप पहले फल खा लीजिए, आस्था ने प्रेम पूर्वक कहा। अच्छा कौन सा फल खाऊं? अतुल ने पूछा। अरे केला तो कल ही खत्म हो गया, सेब ही ले लीजिए आप, आस्था ने सोचते हुए कहा। अतुल ने फल की टोकरी में देखा तो 5 सेब रखे हुए थे। वो एक सेब लेकर रसोई में आया और सेब धोते हुए पूछने लगा, कल जब सुबह मैंने एक सेब खाया था तब भी टोकरी में 5 सेब बचे थे और आज भी 5 सेब ही है, क्या तुमने एक सेब भी नहीं खाया? अरे मैं भूल गई और मुझे तो इतनी फुर्सत ही नहीं मिली। अब कौन अलग से बैठकर सेब काटे और उसे खाए, मुझे तो बड़ा आलस आता है, आस्था ने नजरें चुराते हुए कहा। लेकिन यह तो गलत बात है ना, फल खाना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है क्या? तुम मुझे तो रोज नियम से सुबह नाश्ते के पहले फल खिला देती हो, तो खुद फल क्यों नहीं खाती? अतुल ने थोड़ी नाराजगी से कहा। अरे मैं तो दिन भर घर पर ही रहती हूँ ना, कभी भी कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन आपको ऑफिस जाना होता है तो आपके लिए तो संतुलित भोजन बहुत जरूरी है, आस्था ने जवाब दिया। तुम बेवकूफ हो क्या? इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातें कर रही हो? जितनी जरूरत मुझे संतुलित भोजन की है उतनी ही तुम्हें भी है। यह किसने कह दिया कि एक गृहिणी को कम पोषण की जरूरत होती है? यही बाद में तबीयत बिगड़ेगी और दवाई का खर्च होगा, ऊपर से तकलीफ बढ़ेगी, तब क्या करोगी? अतुल ने उसे डांटते हुए कहा। आस्था चुपचाप उसकी डांट सुन रही थी। अतुल एक सेब और उठाकर लाया और उसे काटकर आस्था को खिलाने लगा और बोला, अब से मेरे साथ ही तुम भी फल खाया करो, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। अतुल की मीठी सी डांट में भी आस्था के लिए जो प्यार था उसे महसूस करके आस्था का मन खिल उठा। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। दूसरी कहानी का नाम है बहुरानी आईना देखती रहना। सुप्रिया और विनोद ने लव मैरिज की थी। सुप्रिया अपनी सास सरला जी से बहुत डरती थी। वो सोचती थी कि उसने लव मैरिज की है, इसलिए उन्हें सरला जी का दिल जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शादी के अगले दिन से ही वो घर में सबका दिल जीतने के लिए जी जान से कोशिश करने लगी, ताकि कोई विनोद की पसंद पर उंगली ना उठा सके। सरला जी देख रही थी कि सुप्रिया घर की जिम्मेदारियां तो बखूबी निभा रही थी, मगर खुद के प्रति लापरवाह होती जा रही थी। वो ना तो समय पर नाश्ता करती, ना ही खुद के सजने संवरने पर ध्यान देती, ना ही अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करती। एक दिन सरला जी ने उसे अपने पास अपने कमरे में बुलाया। सुप्रिया डरते डरते उनके पास गई और बोली, जी मम्मी जी आपने मुझे बुलाया। सरला जी ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और बोला, बेटा मैं भी जब शादी करके आई थी तो बिल्कुल तेरी तरह ही सारे घर का ध्यान रखती थी, सबका दिल जीतने के चक्कर में मैं खुद को भूल ही गई और खुद का ध्यान रखना बंद कर दिया। अरे मुझे तो खुद की शक्ल तक आईने में देखने की फुर्सत नहीं मिलती थी और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। काम तो सारे समय से हो ही रहे थे। फिर एक दिन मैं शॉपिंग मॉल गई और वहां जब एक आदमकद आईने में खुद को देखा तो मुझे आश्चर्य मिश्रित दुख हुआ। यह कौन मोटी थुलथुले शरीर वाली औरत थी? मुझे अपने आप पर बेहद गुस्सा आया क्योंकि मैंने शुरुआत से ही खुद के शरीर का ध्यान नहीं रखा। उसके बाद मैंने खुद के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना शुरू किया। पोषक खाना और योगा से मैंने अपना स्वास्थ्य सुधारा और यकीन मानो इससे भी किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बहू तुम कभी आईना देखना मत छोड़ना, समय निकालकर खुद को आईने में देखती रहना, खुद के साथ लापरवाही कभी मत करना। सुप्रिया सरला जी की बातें सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुई।
उसने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी सास भी होती है। वह तो सोचती थी कि ऐसी सास सिर्फ कहानियों में होती है। उस दिन के बाद से उसने खुद पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह तो एक कहानी थी और सभी जानते हैं कि ऐसी सास हकीकत में मिलना जरा मुश्किल है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को ऐसी सास मिल सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। तीसरी कहानी का नाम है तुम कोई मशीन नहीं हो। श्रद्धा, उठो ना यार, 5:30 बज गए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, सब्जी मंडी चलते हैं, नहीं तो ताजी सब्जियां खत्म हो जाएंगी, नीरज ने अपनी पत्नी को जगाते हुए कहा। श्रद्धा थोड़ी देर और सोना चाहती थी, लेकिन मंडी जाना था, इसलिए उसने सुबह उठना ही ठीक समझा। छुट्टी वाले दिन श्रद्धा पति के साथ मंडी जरूर जाती थी। उसे खुद से सब्जियां खरीद कर लाना बहुत पसंद था। उन्हें तैयार होते होते 6 बज गए। तब तक उनका 3 वर्षीय बेटा गोलू भी जाग गया। श्रद्धा ने जल्दी से उसे भी तैयार किया और तीनों सुबह सुबह मंडी के लिए निकल पड़े। मंडी से वापस आते आते 8 बज गए। नीरज ने कहा, चलो जल्दी से थोड़ा बहुत नाश्ता बना लो, उसके बाद गोलू को लेकर वैक्सीनेशन के लिए भी जाना है। श्रद्धा ने आधे घंटे के अंदर नाश्ता तैयार कर दिया और बाकी के आधे घंटे में नहा धोकर तीनों तैयार हुए और डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए निकल पड़े। वहां से लौटते लौटते उन्हें थोड़ी देर हो गई। घर पहुंचकर श्रद्धा ने देखा तो 2 बज रहे थे। नीरज मोबाइल में व्यस्त हो गया, गोलू वैक्सीनेशन की वजह से सो रहा था। इधर भूख से श्रद्धा की हालत खराब हो रही थी, फिर भी उसे लंच की तैयारी करनी पड़ रही थी क्योंकि बाहर का खाना उन दोनों को ही पसंद नहीं था। श्रद्धा ने सब्जियां काट कर छौंक दी और उसके बाद वो दाल चावल निकाल ही रही थी कि उसे भूख की वजह से चक्कर आने लगे। उसने नीरज को आवाज लगाई तो नीरज दौड़ता हुआ किचन में आया। उसने श्रद्धा को हॉल में ले जाकर सोफे पर बिठाया और पानी दिया। नीरज ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ तुम्हें? श्रद्धा उसकी बात सुनकर बिफर उठी और बोली, क्या होगा मुझे, आप तो आते ही मोबाइल पर लग गए। मैं सुबह से भाग दौड़ किए जा रही हूँ और अभी इतनी जोरों की भूख लगी है, फिर भी मुझे अकेले ही किचन में काम करना पड़ रहा है। नीरज ने अपना सिर ठोकते हुए कहा, हे भगवान, तुम भी ना, तो तुम एक बार मुझे बोल नहीं सकती थी क्या? तुम कोई मशीन नहीं हो जो लगातार काम करती रहो। रुको एक मिनट। नीरज रसोई घर में जाकर श्रद्धा के लिए एक सेब काट कर लाया और बोला, तुम ये खाओ, तब तक मैं किचन का काम देख लेता हूँ। फिर नीरज ने दाल चावल पकाया और खाना बनाकर दोनों पति पत्नी ने प्रेम से खाया। दोस्तों, कई बार औरतें भूखी और थकी होने के बावजूद अपनी सहन शक्ति से बढ़कर काम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह कोई मशीन नहीं होती जो वो लगातार काम करती रहे। उन्हें किसी से मदद ले लेनी चाहिए और अपने बारे में सोचकर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, थोड़ा सा कुछ खा लेना चाहिए और फिर काम करना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।